महाकालेश्वर दर्शन करने के बाद हम महाकालेश्वर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम खड़े हैं उज्जैन स्टेशन पे और यहाँ से ट्रेन से जाएंगे और इंदौर से बस के द्वारा ओंकारेश्वर जाएंगे। फाइनली हम लोग इंदौर पहुँच चुके हैं और यहाँ से बस के द्वारा हम ओंकारेश्वर जाएंगे। बस स्टेशन के पास ही में इंदौर शहर स्वच्छता के मामले में पूरे भारत में नंबर वन पर स्थित है। यहाँ का स्टेशन भी सफाई के मामले में बहुत ही सुंदर है। इंदौर स्टेशन से कुछ ही दूर पर लगभग 400 मीटर के आगे आपका सरबते बस स्टैंड है। सरबते बस स्टैंड से हम लोग को ओंकारेश्वर के लिए सीधी बस मिल जाएगी और हम बस से सीधे ओंकारेश्वर की ओर प्रस्थान करेंगे। लोगों को ओंकारेश्वर के लिए सीधी बस मिल गई है। कभी कभी ओंकारेश्वर के लिए सीधी बस नहीं होती है, नहीं रहने पर आप मोटक्का या सेनावत जगह पर उतर सकते हैं, वहां से ओंकारेश्वर ऑटो से मात्र 40 रुपए में आसानी से पहुंच सकते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। आप यहाँ या तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद उज्जैन से डायरेक्ट बस मिलती है उससे भी आ सकते हैं, या आप इंदौर होकर आ सकते हैं जिस रास्ते से हम लोग अभी जा रहे हैं। इंदौर से ओंकारेश्वर की दूरी 80 से 90 किलोमीटर के लगभग है, जिसका किराया 140 रुपया है। फाइनली हम लोग ओंकारेश्वर पहुँच चुके हैं और यहाँ आने में लगभग 4 से 5 घंटा लग गया क्योंकि घाटी में बहुत ही बड़ा जाम था, जिसके कारण 2 घंटा तक हम लोग घाटी में फंसे रहे और फाइनली हम लोग ओंकारेश्वर बस स्टैंड के पास है। जो देखिए ओंकारेश्वर बस स्टैंड यहाँ से मंदिर 1 किलोमीटर के लगभग दूरी पर है, जो हम लोग पैदल कवर करें। तो गुड मॉर्निंग, अभी हम अपने होटल से निकल कर जा रहे हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। ओंकारेश्वर दर्शन करने के लिए आपको ये जो जेपी सेतु चौक है वहाँ पे से आपको पुल के माध्यम से पुल पार करके और आप ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर जाने के 2 रास्ते हैं, एक जेपी चौक से, एक झूला पुल से। यहाँ से आगे गाड़ियों का आना जाना मना है, सिर्फ लोकल गाड़ियों का ही आना जाना है, इसलिए हम लोग यहाँ से पैदल ही कवर कर रहे हैं। ये हमने प्रसाद लिया है 50 रुपये का और हम जा रहे हैं ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने और जल चढ़ाने। प्रसाद लेकर हम पंक्ति में लग चुके हैं। ये देखिए ऊपर भोलेनाथ हैं, ओंकारेश्वर भगवान जी। अब यहाँ से हम लोग दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमने 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन बहुत अच्छे से किए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दूसरे तल पे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यहाँ से नर्मदा नदी का दृश्य बहुत ही मनमोहक है। यहाँ बहुत ही अच्छे से हवा चल रही है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद हम लोग ओंकारेश्वर पथ पर परिक्रमा कर रहे हैं। 1 किलोमीटर की परिक्रमा अब तक हम लोगों ने पूछे, टोटल 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है ये। कहा जाता है कि ये परिक्रमा मार्ग ओम के आकार का बना हुआ है। ये संगम घाट जो नर्मदा और कावेरी नदी का संगम होता है यहाँ पे। ये देखिए बहुत ही अद्भुत नजारा है यहाँ पे, वातावरण का कुछ कह नहीं सकते। आधा रास्ता पार करने के बाद ही सोमनाथ मंदिर मिला।
भोलेनाथ। साढ़े 3 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग राजराजेश्वरी मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, जहां भगवान भोलेनाथ का विशाल मूर्ति स्थापित है। 4200 मीटर चलने के बाद हल्का ढलाव करके फिर ये ऊपर वहां जाना है, वो गेट के पास। मयंक बाबू बिना जूता चप्पल क्या है, इनका हालत बद से बदतर हो जा रहा है पैर का। बताइए मयंक क्या हाल है। 100 मीटर चलने के बाद ये सिद्धनाथ बारहवीं द्वार मंदिर, जो 12 द्वार है, आइए यहाँ दर्शन करते हैं। ओंकारेश्वर डैम है जो नर्मदा नदी के तट पे बना हुआ है, बहुत ही अद्भुत नजारा। ओंकारेश्वर परिक्रमा करते हुए हम लोग काफी थक गए हैं, क्योंकि 7 किलोमीटर का परिक्रमा और धूप इतनी तेज, आप देख सकते हैं धूप इतनी तेज थे कि सबका हालत खराब हो गया। हमारे मयंक बाबू भी ना चप्पल के ही पूरे परिक्रमा कर लिए, उनका पैर का बिल्कुल काला पड़ गया। हम लोग तो जूता बाटा पहने हुए, तब हम लोग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे, जो झूला पुल से पार करने को 600 मीटर के दूर। हम लोग की परिक्रमा जो 7 किलोमीटर का वो पूरी हो चुकी है, अब हम लोग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे, जो झूला पुल पार करने के बाद वो 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जब तक आप ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं करते हैं, तब तक आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए अब हम लोग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे। दोनों ब्रिज के बीच में हमारे ओंकारेश्वर भोलेनाथ स्थित है। अब दोनों ही ब्रिज से आ सकते हैं, तो बराबर दूरी पर ओंकारेश्वर भगवान ज्योतिर्लिंग के पास तक आप पहुँच सकते हैं। झूलापुर से आप निकलने के बाद दाहिनी की ओर ममलेश्वर मंदिर का रास्ता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसके बिना दर्शन अधूरी मानी जाती है। आप लोग भी यहां जरूर दर्शन करें। हम लोग श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंच चुके हैं, यहां हम लाइन में लग के ममलेश्वर भगवान का दर्शन करेंगे, ममलेश्वर महादेव जी का दर्शन करेंगे। यहां पर हम अपने जूते चप्पल उतारेंगे और यहां दर्शन करने लगेंगे। पंडों की कमाई बड़ी होती है, अंदर की कमाई होती है। हम लोग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के पास पहुंच चुके हैं, अब यहां दर्शन करके हम लोग ने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया है। अंदर फोटोग्राफी बजी थी, जिसके कारण हम आप अपने को महादेव जी की शिवलिंग नहीं दिखा पाए। अभी यहां दर्शन बहुत अच्छे से हो चुका है। ये श्री ओंकार प्रसादालय है, जो हम ओंकार प्रसादालय में आप 20 रुपये में शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। ये मंदिर की तरफ से चलता है। ये देखिए, इसमें रोटी चावल दाल सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट भोजन के रूप में यहाँ मिलता है। आप लोग भी यहाँ एक समय भोजन ज़रूर करें। शाम का समय और हम लोग संध्या आरती का दर्शन करने जा रहे हैं भगवान ओंकारेश्वर जी का। ये तस्वीर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के संध्या आरती के दर्शन के समय का है। अब जानते हैं ओंकारेश्वर दर्शन करने में आपका क्या खर्च आएगा। आपको यहाँ रहने के लिए होटल 300 से 500 रुपये में आसानी से मिल जाएंगे।
खाने पे आपका 100 रुपया खर्च आएगा, जो बेहद सस्ता है। यहाँ पे सारे दर्शनीय स्थल आसपास है, इसीलिए यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सारे जगह आप पैदल कवर कर सकते। ओमकारेश्वर में आपके रहने खाने आने जाने में लगभग 800 से 1000 रुपये पर व्यक्ति खर्च आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।